तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर विष्णु राज। और कहते हैं दोस्तों कि जो अपना हंसुआ होता है वो अपने तरफ ही खींचा जाता है। कितना हूँ किसी का गर्दन रेत दे, फिर भी वो हंसुआ जो अपने तरफ ही खींचा जाता है। कहने का मतलब सबको अपना अपना ही लगता है। और आज सुबह सुबह मेरे ससुर जी का 4 बार कॉल आया, तो कॉल आने के बाद मैं उठाया नहीं। फिर उठाया तो बोले कहाँ पे हो, और मैं घर आ गया हूँ, आओ घर बात कर लेते हैं। और अभी भी मतलब सबको लगता है कि मेरी गलती है, ये है वो है, क्योंकि देखिए दोस्तों, और आज ये है कि मैं अपने बच्चे से मिलूंगा, और खुशी इस चीज़ की है कि आज बच्चे को अपने देखूंगा। और क्या मेरे ऊपर बीतेगा क्या नहीं मैं जानता हूँ। और दूसरी बात है, वहाँ देखते हैं क्या होगा, मैं अकेले जा रहा हूँ भी, और क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, और अभी कुछ कुत्ते लोग भी हैं जो कि अभी भी बीच में ऐसी चीज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि विष्णु राज को बर्बाद ही कर दिया जाए। लेकिन ये जानते हैं कि देखो, जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष करेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये बस जो सत्य है वो सत्य है। और जिसको लगता है कि मालती सही कर रही है, तो बताइए किसी के परिवार भी अगर ऐसे करता है तो क्या सही है? सबको लगता होगा कि मैं गलत हूँ, मेरा बच्चा, हमें पता है कि बच्चे से इतना दूर होने के बाद भी किस तरह हूँ। तो आज जा रहा हूँ ससुर जी के पास। जो कानूनी प्रक्रिया है ऑलरेडी मैंने कर दिया है, और जो ऑफलाइन प्रक्रिया है मतलब ससुर जी से बात करना, क्या बात करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो सब चीज़ बताते हैं, क्या शर्तें हैं क्या नियम है हमारी, हर चीज़ बता के फिर हम वहाँ जाते हैं, फिर कहते हैं। और आप लोग देखिएगा क्या है कि अकेले जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो, डर भी लग रहा है कि लोग हमको लगे मारने। बट कोई नहीं, जब मैंने कोई ऐसा गुनाह किया ही नहीं कि जो लोग हमको कहेंगे, बट कोई नहीं, ससुराल अभी जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या बात है। क्योंकि देखिए, कुत्ते भौंकने वाले तो भौंकते हैं, उनका बात अलग है, लेकिन इतना जान लो बिना साबूत के बिना साक्ष के किसी को बदनाम करने पर भैया हम एक्शन लेंगे, चाहे जिस बेस में जाना है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर ये चीज़ हुआ। और दूसरी बात है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, आज ससुर जी से भी गलत हूँ तो हमको बताइएगा, आपके सामने आके जो भी साक्ष्य है मैं आपको दिखाऊंगा, अगर गलत होऊंगा तो बोलिएगा, बट ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, और जो भी होगा देखा जाएगा। और हाँ, बहुत से लोग भाई लोग फोन कर रहे हैं कि आप अपना बाइट दीजिए, तो भैया किस बेस पे दे बताइए, जो मेन था सब लोग को पता है, अब उस पर क्या करें। जो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा वो तो कानून जानेगा, जज साहब जानेंगे, तो उसका कोई वो नहीं है। और बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, जब हालात बुरा होता है तो कोई भी मजा लेके चला जाता है, और जो अपना है वो अपना ही कहलाएगा। और उसके बाद जिस तरह भी हुआ है, उनको लग रहा है, सबको लग रहा है कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज हम मिलते हैं और देखते हैं, उनसे पूछेंगे, उसके बाद बताते हैं कि क्या एक्सेप्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ, तो बस यही है, आप लोग खुद सोचिए कि जिसके परिवार पे जिसके घर पे ऐसे बीत रहा है वही जानेगा। और जो है मालती के पिताजी, जो मालती उनको बताई होगी उसी हिसाब से वो चल रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे नहीं, लेकिन जब हम जाएंगे वही बताएंगे, तो उसके बाद वो भी तो ट्रीट करेंगे। तो यही है, अभी जा रहे हैं, और आज एक चीज़ का खुशी भी है कि बच्चे से आज मिल लेंगे। तो आप लोग दोस्तों प्यार दीजिए, छोड़िए, और हम कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन ससुर जी का भी जो रिएक्शन था उस चीज़ को ले करके मैं कर रहा था, बट कोई नहीं, आ रहा हूँ, जिसको जो करना होगा कर लीजिएगा, हमें कोई डर नहीं है, सामने रहेंगे मार डालिएगा या तो छोड़ दीजिएगा, किसी से कोई डर नहीं है।